सर मैं आ रहा हूँ सर, बजट ये सर बजट पे ही बोल रहा हूँ सर। यू सी द प्रॉब्लम इज सर, इन द बीजेपी ओनली वन मैन इज अलाउड टू ड्रीम टू बी प्राइम मिनिस्टर। इफ द डिफेंस मिनिस्टर डिसाइड्स ही वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज फियर। सो दिस फियर हैज बीन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री एंड पद्मव्यू मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, बिकॉज सर वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते। पर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। और टैक्स टेररिज्म, आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर लीक मैं आपको बताता हूँ 10 साल में 70 बार हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, फिर आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। फार्मर्स का डेलीगेशन नहीं सर, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। पर आपके माननीय सदस्यों को कह दें जो सदन पर आरोप लगा। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। पूछना चाहता हूँ, मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको, 3 और 4 ठीक है सर। नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और आप... मंत्री जी को अदानी जी और अंबा, सॉरी A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, ऊपर से ऑर्डर आया सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर ही इज परमिटेड, सर ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, इट इज अ डेमोक्रेसी सर, ही कैन डिफेंड देम। प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे, ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन से खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टेसी होना होता है राहुल जी। I will respond to that. If when we raise our hand and ask for the prime minister and the ministers to yield, they yield, we will yield every time. The moment you yield, I guarantee you we will yield. आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर बंद होगी, आप सदन की मर्यादा को रहे। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ मुझे ये करना है सर, वो हटवो देखो अभी। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 है, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूँ सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। ये जाति जनगणना को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो, आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, अब
शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूँ सर, घबराइए मत, डरो मत। मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी जिंदगी भर, मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो।